ऑल आई वुड लाइक टू थैंक नावाड स्टेडियम सर एंड सेवक एज ए ऑर्गेनाइजेशन फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म टू शेयर माय थॉट्स. तो माय नेम इज अमूल्य प्रताप लगरा, मोना अमूल्य प्रताप लगरा. आई एम ए प्राउड फार्मर एंड एग्री एंटरप्रेन्योर एंड फाउंडर ऑफ किसान साथी. तो सबसे चाहूँगी कि केमी मैक्सीम लोक कंट्रीब्यूट कर पारि. ओके, तो मोर बहुत इच्छा था कि आमर केमता मुझे मैक्सीम लोक के कंट्रीब्यूट कर पारि मोर आड़ू. तो जदि आप डाटा देखे इंडिया आई थिंक मैंने 80-85% लोक चाष उपर डिपेडेंट. तो जदि आम एग्रीकल्चर सेक्टर में जब आम कि गोटे भल पॉजिटिव चेंजेस मुझे जब मोर पर्सनल आड़ किसी जब आनी पारे देन आई कैन कंट्रीब्यूट टू द मैक्सिमम पीपल. इसी लगे मैं एग्रीकल्चर फील्ड में आसली. डिंग दिस प्रोसेस मैंने ये प्रोसेस में मुझे 2016 परमिशन की प्रभाग पाली करी महाराष्ट्र आई सागे अलमोस्ट 2 मास रही आउ प्राकृतिक चाष विषय प्राकृतिक चाष विषय के जान जान नेचुरल फार्मिंग विषय किसी जान तो पावर ट्रेनिंग नहीं आई वाज द ओनली पर्सन फ्रॉम ओडिशा. बाकी आंध्र प्रदेश डिफरेंट पीपल बहुत लोक आसते बहुत ऑलमोस्ट मैंने सब स्टेट रू आसते लेकिन मतलब टी खराब लगे ये कि मैंने आम ओडिशा खाली एक मत लगे बहुत लोग मतलब मिले जाए बट ट्रेनिंग आसला माइंड मेकअप करदे मोर गोटे गोटे अमेजिंग एक्सपीरियंस है मोर कि मुझे भाली कि इटा ही गोटे माध्यम अच्छे नेचुरल फार्मिंग. आई थिंक नेचुरल फार्मिंग नाबार्ड भी जीवा प्रोग्राम माध्यम को बहुत मैंने ताके प्रमोट करा हुए. तो मुझ तार फायदाटा बतावि मुझ आसला पर से मोर एक्सपीरियंस का काम तो ये प्राय समस्त केमिकल फार्मिंग ही करूँ हाँ ना नहीं तो मैं केमिकल फार्मिंग ही करूँ आउ तो गोटे जनटे कन्विन्स करवाटा बहुत दरकार. लेकिन गोटे रजा बसा कुतरार भी सर आम जो जाइ सीट गोटे रजा बसार गोटे बंदे क्रीन बोली गोटे फार्मर से तो कहली भाई धान चाहिए पहले अप्लाए कर चेता कण कर बताबी तेज सब किसी बताबी खाली कर जदि नुकसान है से कहला कि मुझे पचारि के तो खर्चा है तो से कहला कि अराउंड मैंने के इनकम हो तो से कहला 13,000-14,000 टाइम मोर इ इनकम है मुझे ठीक अच्छे जदि किसी धान होगा 15,000 कर देवी है आम प्रफिट है कर कंटिन्यूस मुझे कंटिन्यूस मॉनिटर कली ये कली तो 10-12 दिन मुझे जाइन पारि मोर देह खराब थी तो मुझे जाइन पारि तो किसी दिन पर फोन गला अरे हम लोग गई मेरे कहला गई कौन है मैंने कला मतलब लगला सडन मैंने फ्राक्शन ऑफ सेकंड लगे कि बस सब मरी जाइए मोर इमेजिनेशन आस सब मरी जाइए मत तो मत कहला तो मैंने देखो मैंने फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन खेत मैंने पूरा जिया मैंने भरी गला प्रोडक्शन सर वेरी फर्स्ट इयर रे प्रोडक्शन मैंने जिते आसाला माँ कहले से जिनटा से नहीं कही तार माँ कहले कि जी प्रोडक्शन होगा तार भी अधिक प्रोडक्शन आसला केमिकल फार्मिंग एटा कहसन कि 2-3 वर्ष लगे ऑर्गेनिक फार्मिंग कहसन कि तुम जब ऑर्गेनिक फार्मिंग कर तो ये लगे 2-3 वर्ष तुम्हें मटी ठीक हे लगे प्रोडक्शन होगा नेचुरल फार्मिंग एट क्वालिटी अच्छे जदि तुम तार जेन चार्टा जेन स्तंभ अच्छे नेचुरल फार्मिंग तुम्हें कह कथा से मेन्टेन करा दे वन तुम रिजल्ट मिलवा आटा मैंने गोटे एक्जामपल देना मैंने बहुत एक्जामपल अच्छे उतरा ब्लग्रे तो यहाँ ये हेलापर तर खर्चा आज्ञा कहला तो तार खर्च होगा पर मंथ पर क्रप धान अराउंड से ये नियर अबाउट 5,000-6,000 नेचुरल फार्मिंग के खर्च है ₹600 5,600 टाँह ही खर्चा है कहीं किसी ना मेन जीवाणु तो
आपन के खाली बूढ़ आउ बेसन की मार्किंग ताकि ड्रम किन किना दे दी थी इनिशियली ड्रम किन किना दे दी तर गाड़ी रखवा लगे कंक्रीट पर दे दी तो माने ऑलमोस्ट माने 90% का इनपुट कॉस्ट कम ही गला तार प्रोडक्शन भी बढ़िया है और इजिली से जिनसटा को खाली गाई गोबर माध्यम दोनों के माध्यम से आराम से दिया गया तो अच्छा ठीक अच्छे तो ये जानू कि तार प्रोडक्शन भर अच्छे मैंने प्रोडक्शन भर है इनपुट कॉस्ट कम ही गला तो कहाँ राइट अब इजिली से बने नहीं पाता आराम से नीचे मैंने आत्मनिर्भरशील से नहीं पाला ना ताकि यूरिया डी ए पी कहीं जुड़ा के पड़ा कहीं जुड़ा के नहीं पड़ा से नीचे ही बेसी नहीं मानते सब करदेगा नेचुरल फार्मिंग एवं जानवा कि व्हाट इज नेचुरल फार्मिंग प्राकृतिक चाष कण हाँ नेचुरल फार्मिंग जेन पद्धति जी मैंने ल अफ नेचर अप्लाए है प्रकृति गोटे नियम अच्छे है जिन अप्लाए अच्छा आपण मैंने सब जंगल देखे जंगल देखी थे समस्ते जंगल जेन जेन गए किए यूरिया किए भर्मी कंपोस्ट देसी किए पाए देसी जीव जंतु मैंने देसन कि सब जंगल सब जीव जंतु भी नहीं था नहीं तो बेले सेने नेचर रोटे नियम अच्छे से पतर मैंने जंगल सब मैं किसी नहींकना पूरा पलिशन पूरा भर मैंने किसी नहीं गई मानी आ तुम तार पतर तुम आनिकिना लैब्रे टेस्ट कर तुमको माइक्रोटेक्सी माइक्रोनिक्रेटिंग तुम्हें किसी नहीं मिले कहीं क्या के गई पर्यटन पतर मैंने पड़ेगीना फिर बर्षा भी माइक्रो अर्गानिकल मध्यम डिकम्पोज होना ह्यूमस क्रिएट से ह्यूमस क्रिएट होना से ह्यूमस जेनटा ह्यूमस के आम मटीर फर्टिलिटी मैं फर्टिलिटी भी कहता शक्ति भी कहूँ खाद्य भंडार भी कहूँ तो ठीक आगे ह्यूमस जेन कंपनीटा मुख्य मेन तार ह्यूमस मनासन से मटीर दिखन से माइक्रो अर्गानिजम मान है तो ये है कि नेचुरल फार्मिंग कण है आउ नेचुरल फार्मिंग एक्चुअली केन्ता है जेनता मुझे कहूली कि नेचुरल फार्मिंग रे तो चार मुख्य स्तंभ अच्छे है मैंने आपड़ जब देखिए देखी बोन है मुख्यतः चार्टा स्तंभ अच्छे पहला बीजाणु है पहला बीजाणु मान पहला आम बंदी के विशोधन कर गोटे जिन टाइम आम नेचुरल फार्मिंग रे देसी मंजूर हाइब्रिड रूप अच्छे प्रडक्शन बाहर यहाँ आम निजे निजे भी भोपाल देसी भोपाल सीड मगे आईटा ट्राएल करूँ आमर आप सेवक स्टाफ ही आमठ करेला वगैरह किणिक नहीं निजे फिडबैक देते कि टेस्ट वो पसंद तापर प्रथम कह देसी मंजूर प्रयोग करेंगे बीजाणु पहला कहला मुख्य स्तंभ है बीजाणु माध्यम डिटेल डिस्कस कर कहीं मतलब हस्पिटल कहीं दिखाई ये आप बताइए तरह से क्या प्रोसेस तो पहला है जीवामृत मैं मंजी विश्वधन दुई नंबर है जीवामृत जीवामृत सब सुनी प्राय है जीवामृत जे देसी गाई गोबर गोमूत्र गुड़ बेसन आउ बरगती मटी है दुई ना जीवामृत जेनटा कि आम फर्टिलइर आकार यूज करना मैंने चुटी कणा आई ना जेन माइक्रो अर्गानिजम जेन कहीं जेन मटी के उर्वर बनासी सेटा कि कल्चर करूँ खोज नहीं माइक्रो अर्गानिजम आम जीवाणु माध्यम बनासी है और तीन नंबर जिनस है मल्चिंग मल्चिंग बोले क्या जंगल पतर से कले पड़ी जैसे जंगल देखिए मटी सब खुला नहीं था सब तरह पतर पड़ी थी है तो मल्चिंग आम के चाष कर सब फसल मझे मझे कि सब जमीन आम पूरा जमीन के ढकी देवा है मल्चिंग नेचुरल फार्मिंग पहला है बीजामृत जीवामृत मल्चिंग आउ फोर्थ वापसा इटा गोटे जो मेन जिनस है लेकिन बहुत चाषी मैंने नर्माली नेचुरल फार्मिंग करता लेकिन जिनटा प्राक्ट नहीं कर आपन मैंने गोटे जिन मन रखी वापसा 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 बताऊ वापसा सर गच को केवी की पानी दरकार पड़े जंगल जेन गच्छी तुम्हें जब कह जो गच के पानी दरकार पड़े जंगल जो एक्सटर्नाल पानी दरकार है गोटे दलियों बास्प दरकार
वाटर झपर सपोज हमें इका ने एक गोश के लगा लूं हैला गोश के लगा लूं तो पाइन के लिए हमें इन्हें देवा और माटी जो भी हल्का हो ना तो तार वाटर झपर आराम से तार घेर दी अब हमें करना पड़ता है क्या जितनी पहले लगा दूं गोश विचार इन्हें काटा करूं आप इन्हें ही पाइन देना जैसे भी ढंका कर दो लेकिन आप नेचुरल फार्मिंग में काम करना इटा गोश है हैला तो पानी टाके हम किसी दूर जगह की चेष्टा करो हमारे बेड मोन्स ब्रेड फूड हैला इन्हें पानी देखो मैंने कहा ना रूट रोक के नेचर है से पानी का डायरेक्शन है जीवा जितनी बार तुम्हें गॉड काटता हो बोले चेंज करके ना देखी करें देखी नहीं कहीं नहीं करें देखी कहीं भू भर भर पाए ना चाहे तो सही डायरेक्शन है तुम्हें जितनी जीवा ना देखो तुम लोग अलग अलग नहीं हो कहीं कहीं से पहले तुम तीन से आराम से कैपिलरी फोर्स बूटे करते से तुम लोग कहीं ऊपर करके आए जनता तुम डिग्री कर आते ऊपर लिया करो किस तरीके क्रोसिन कर लो ऐसी नहीं पैन का भी हम मैंने जनता ऐसी हेटा के आके कसो के वापसा कंडीशन अब जदी तुम्हें इतनी भी नहीं पड़ो कि तुम पानी जनित रोग हो जने की फंगल रोग जनता का है माने 70-80% फंगल जनित रोग है हेटा पूरा को नहीं है ये चाटा जेनी तुम जदी फोन में मेंटेन करो भले तुमको से जब पढ़ाई काफी के पर्सन दी बहुत तुम खूब कोई नहीं देखा भी कि मैं डे 1 को अपन के मैं फर्स्ट रोग का अपन से रिजल्ट मिलवा तपरे आउ जन जिनिस कहली तो इटा जानले चाटा आउ जिनिस की ठीक है स्टार्टिंग रे नेचुरल फार्मिंग रे कारण के रोग कोको के किसी जेतु हमें इन्हें किसी स्प्रे नहीं करो मैं केमिकल स्प्रे नहीं करो तो ये नेचुरल फार्मिंग रे के अपन के स्प्रे शेड्यूल मेंटेन करवा के पड़ा उनके मान के टाटा शेड्यूल से पहले प्रथम आप कीटनाशक डेटा भी होते जेना बस्परी और पहला कीमा ब्रह्मपुत्र डेटा सेटा सब का पछे सेटा सब अपन मान के मास के दिन स्प्रे करवा के पड़वा और उते माने पोषण लागी थे गोधी रोग स्प्रे करवा के पड़वा आसान गोधी रोग स्प्रे फंगल एंटी फंगल प्रोपर्टीज लगे पोषण लगे जीवन को स्प्रे करवा के पड़वा तो हमें चार स्प्रे करवा के पड़वा है चार जिन मेंटेन करेंगे।